हमारे साथ अब धर्मेश कांत जुड़ रहे हैं, रिटेल रिसर्च हेड मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के। धर्मेश, आपको क्या लगता है, देखिए बॉन्ड मार्केट में तो जब से रघुराम राजन साहब ने घोषणा की है कि अब वो अगला टर्म नहीं लेंगे, तो तेजी देखी जा रही है। सरकारी बैंकों में भी जिस तरह से उछाल आया है, कहीं ना कहीं ये तो फैक्टर इन है कि नया गवर्नर जो भी होगा वो इतना सख्त नहीं होगा। सरकार कोई ऐसा ही कैंडिडेट चाहती है जो आगे ब्याज दरों में ज्यादा कटौती करे। आप क्या मान के चल रहे हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि फंडामेंटल्स विल प्ले आउट। गवर्नर जो भी आए दे वुड नॉट डिटर विद द पॉलिसीज जो पहले से सेट किए हैं डॉक्टर राजन ने, एंड आई थिंक उनके जो पॉलिसीज थे दे विल मोर इन लाइंस विद द मार्केट एंड इकोनॉमिक रियलिटी के साथ अटैच थे, सो आई थिंक दैट विल बी फॉलोड। वहाँ पर कोई डिविएशन नहीं होगा, और अगर रेट कट आता भी है तो वो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर बींग डाउन एंड जिस तरीके से मानसून का प्रोग्रेस हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में भी CPI इन्फ्लेशन पूरे साल के लिए अगर FY17 की बात करें तो 4.5 के आसपास हम लोग अनुमान, 4.5 टू 4.7 का रेंज है, सो उसके बीच में रहना चाहिए। तो उस हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट का इस साल में और रेट कट मिलना चाहिए। पर्सन स्पेसिफिक आई डोंट थिंक ज़्यादा मैटर करेगा, भी नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रकाश, दरअसल पानागढ़िया साहब की नाम अब चल रहा है गवर्नर के लिए, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि ये जो 4% महंगाई का टारगेट है, रिटेल महंगाई, वो बहुत कम है, तो इसको बढ़ाना चाहिए। और सरकार से, वित्त मंत्रालय से भी ऐसे संकेत मिले हैं। कुछ और जाने माने अर्थशास्त्री जो वित्त मंत्रालय के साथ काम भी कर चुके हैं, उनके इस तरह के प्रस्ताव आए हैं कि 5% कर देना चाहिए इसको। अगर ऐसा होता है नए गवर्नर के आने के बाद और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मैंडेट मिलेगा नया, वो मैंडेट 4% की जगह 5% का होगा जी, तो बाजार के लिए कैसा होगा ये? बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखिए आज इंटरेस्ट रेट नहीं घटाने के पीछे जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो इन्फ्लेशन का रहा है। अगर महंगाई हमेशा इतनी हमने देखा कि टॉलरेंस लेवल से ज़्यादा रहती है तो वो चिंता की बात मानी जाती थी, क्योंकि एकेडमिकली थियोरेटिकली जो आपके फिस्कल डेफिसिट पे जो आज पड़ सकती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दो तीन चीज़ों की अभी जो कंफर्ट मिल रही है गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से, वो ये है कि क्रूड में कहीं ना कहीं एक जो बढ़त हासिल हुई थी वो ख़त्म होती हुई दिखी है, और स्टेबल लेवल पे अगर नीचे भी नहीं गिरता और स्टेबल रहता है तब भी गवर्नमेंट के लिए बहुत सहूलियत रहेगी उससे। दूसरा, मानसून ऑलरेडी टाइम से और ठीक ठाक मात्रा में अगर आ गया और जो आसार लग रहे हैं अब, उससे आपके जो फूड इन्फ्लेशन जो सबसे बड़ा कंपोनेंट था वो एक कंट्रोल में, काबू में आ जाता है। तो टॉलरेंस लिमिट को थोड़ा सा अगर आप बढ़ाते हैं, और ग्रोथ इकोनॉमीज में ही रहता है नॉर्मली कि इन्फ्लेशन इज ऑलवेज अ सेकंड साइड ऑफ द कॉइन, अब ग्रोथ अगर आप करनी है तो इन्फ्लेशन रहेगी रहेगी, तो उसको ना कि आप एक लकीर बना दें और बोले कि हम 4% से ज़्यादा नहीं टॉलरेट करना चाहते। तो मेरे हिसाब से एक स्टैंड चेंज अगर होगा तो मॉनिटरी जो RBI कमेटी है उसके लिए भी एक जिसको कहते हैं थोड़ी सी छूट मिल जाएगी इंटरेस्ट रेट घटाने की, जो या तो उसका टाइम फ्रेम आगे मतलब जो हो रहा था उसको कम कर सकते हैं या मात्रा बढ़ा सकते हैं। मेरा मानना ये है कि नए गवर्नर के आने के बाद जो रेट कट अनाउंस होगा वो शायद 50 बेसिस पॉइंट हो सकता है, वो जो बहुत पॉजिटिव माना जाएगा इंडस्ट्री के लिए और उसके लिए, तो एक सेलिब्रेटरी सा सैल्यूटेशनल वो जिसको कहते हैं कट जो है वो आपको शायद अनाउंसमेंट का मिले। उसके बाद निफ्टी कहाँ होगा? उस समय निफ्टी कैसा रहता है ये देखना पड़ेगा। निफ्टी मान लीजिए आज हो जाए तो डेफिनेटली निफ्टी में कम से कम इसमें 150-200 पॉइंट का तो कम से कम बेनिफिट मिलेगा। निफ्टी को एक ही चीज अब रोक सकती है या लगाम डाल सकती है, वो है रिजल्ट्स। मेरे हिसाब से अभी कोई चीज ऐसी नहीं है जो निफ्टी, और जिस टाइप की पुट राइटिंग आज 83, 84, 85 में भी आई है, आप जो ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे थे प्रोग्राम की शुरुआत में, ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि सीधा आपने 8000 से 82 का पहले स्तर देखा पुट राइटिंग में और आज वो पूरे 300 पॉइंट ऊपर एडवांस हुआ है। तो जो कॉल की बाइंग हो रही थी वो तो चलती रहती, कॉल बाइंग को इतना मैं मायने नहीं देता जितना पुट राइटिंग को दे रहा हूँ, और उसका रीजन ये है कि पुट राइटिंग इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होती है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होती इतनी, रिटेल लेवल पे नहीं होती। कॉल बाइंग बेशक रिटेल में हो सकती है, तो ये जो सब इंडिकेशन लग रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि रिजल्ट सीजन में भी पहले 15 दिन अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद रहती है। इंडसइंड ने जिस टाइप के नंबर डाले तो आपने देखा उसका रब ऑफ इफेक्ट ज़्यादा ही सब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे आने लगा है, तो उस दरमियान निफ्टी पे लगाम देने वाली चीज़ अभी कोई है नहीं। अगले हफ्ते हो सकता है पार्लियामेंट की शुरुआत के बाद कोई मायूसी आए तो एक स्लो डाउन हो सकता है, बट तब तक कोई निफ्टी को 8650-8700 तक भी जाने में रोक नहीं पाएगा। तो और तेज़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी, ऑफकोर्स काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स रहेंगी मार्केट के लिए, लेकिन फिलहाल 8511 पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ
43 अंकों की बढ़त पर ये स्थिरता देखने को मिल रही है। ऐसे में आपने जो ट्रेड लेने की इच्छा जताई है उस पर आपके लिए कॉल लेकर आएंगे कुणाल सराव की। कह रहे हैं कि RCF में आप तेजी करके चलें, स्टॉप लॉस यहाँ पर 51 रुपए का रखेंगे, टारगेट लगाएंगे आप 54 रुपए पर। साथ ही रिलायंस डिफेंस में भी आप बिकवाली करें, यहाँ पर स्टॉप लॉस 67 का रहेगा, टारगेट 61 का लगाइएगा। ये फिलहाल कुणाल की राय है और आपको बता दें किस नंबर पर आपने हमें सवाल पूछने हैं, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमें सवाल भेज सकते हैं। कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर आज हमने देखा है दमदार तेजी है और इंफ्रा कंपनियों में अच्छी रफ्तार बनती हुई। NBCC आज का टॉप परफॉर्मर 12% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। इसके साथ ही हमने देखा था NCC जैसा स्टॉक हो, जय कुमार और ARSH जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी हुई है। लेकिन चार्ट्स पर वेरी क्विकली अगर रजत आप मुझे बताएं इनमें से आप कौन सा स्टॉक पिक करेंगे जहां पर और भी बढ़त देखने को मिलेगी। देखिए NBCC का मूवमेंट जो है वो आज के दिन 12% हुआ है। ये आपके चैनल पर और आपके सिस्टर चैनल पर मैंने कई बार नीचे की लेवल से 230-220 इस रेंज पे रिकमेंड किया था। ये एक टारगेट मिट किया है आज के दिन, ये ठीक है, लेकिन इसका चार्ट ये बताते हैं कि इसमें और भी जान है, थोड़ी सी नीचे आ सकता है, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए इसमें। ये काउंटर ऊपर में मैं 280 के आसपास देखता हूँ तो आने वाले दिनों में उसी लेवल पे जाएगा और इसमें जितना दम है इसके बलबूते पे आप इसको भी ले सकते हैं। इसके अलावा भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन वो भी एक काउंटर है जिसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं, उसमें हमको दिख रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छी मूवमेंट की गुंजाइश है। ओके NBCC पे इनफैक्ट आप नज़र डालें तो इनको एक बड़ा जो ऑर्डर मिला दिल्ली में उसके बाद से इसने रफ्तार पकड़ी है और आज मेरे ख्याल से चौथा सेशन ही होगा लगातार तेज़ी स्टॉक ने दिखाई। अगर आप पिछले 7 दिन का मूवमेंट देखें तो जो एंट्री लेवल्स के बाद दरअसल रजत कर रहे थे वहाँ से ही चला है ये स्टॉक और देखिए उसके बाद जो रफ्तार है 35% 7 दिनों के अंदर, बल्कि 5 दिनों के अंदर करीब करीब 35% का रन अप इस स्टॉक ने दे दिया है। आज भी 12-12.5% ऊपर फिलहाल ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त 3 बजने वाले हैं और हर रोज 3 बजे हम आपको बताते हैं निफ्टी पे आपको क्या करना चाहिए। 8512, जी हाँ, ये लेवल है इस वक्त दिन के हाईज और साल 2016 के हाईज पर निफ्टी पहुंच चुका है। ऐसे में क्या करेंगे आप निफ्टी पर, ये राय जानने का वक्त है हमारे एक्सपर्ट से। नीरव अखारिया सीनियर रिसर्च एनालिस्ट ग्लोब कैपिटल के निफ्टी पर बाय कॉल दे रहे हैं 8470 पे, स्टॉप लॉस लगाएं 8540 के, टारगेट 1 या 2 दिन में आ सकते हैं। वहीं वैशाली पारेख की राय आपकी स्क्रीन पर आती हुई, ये कह रही हैं कि स्टॉप लॉस 8470 का हो और निफ्टी पर तेजी का ही कॉल लेना है, 8550 का टारगेट फिलहाल इन्होंने दिया है, 1 से 2 दिनों की राय है। रजत बोस हमारे साथ है, रजत निफ्टी पर आपकी कॉल। देखिए करीबन 1:30 बजे जब निफ्टी स्ट्रेटेजी मैंने बनाया था उस टाइम पे ये सोचा था कि अगर निफ्टी ने 8500 से लेकर 8495 का स्तर डिसाइसिवली तोड़ दे तो शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए, लेकिन उसी के थोड़ी नीचे से जुलाई फ्यूचर्स जो है वो सपोर्ट लिया था 8492 पे और फिर बाउंस बैक किया है, तो मैं मानता हूँ कि अभी लॉन्ग करना चाहिए, 8475 के नीचे स्टॉप लगा के और ऊपर में 8525 से 8545 अगर वो पार कर जाए तो 8560 तक भी जुलाई फ्यूचर्स को आप उम्मीद कर सकते हैं। ओके, बाय कॉल 8525 और 8545, ये दो टारगेट 8475 पे एक स्टॉप लॉस लगाने की राय रजत आपको दे रहे हैं। संदीप वागले हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर और CEO powermywealth.com के। संदीप आपकी कॉल। आफ्टरनून प्रदीप, मैं निफ्टी में बाय करने की सलाह दूंगा, मेरे निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स के लेवल्स होंगे 8610 का मेरा टारगेट होगा और 8480 का स्टॉप लॉस होगा, ये 2 या 3 दिन का व्यू है। ओके, तो ये कॉल आपके लिए फिलहाल निकल कर आती हुई तेजी की ही। सारे के सारे एक्सपर्ट्स हमारे इस वक्त आपको निफ्टी पर तेजी की कॉल दे रहे हैं, आपको ऊपर की तरफ टारगेट नजर आएंगे 8550 के आसपास के इन जनरल हम देख सकते हैं और स्टॉप लॉस तकरीबन 8470-80 के दायरे में ज्यादातर हमारे एक्सपर्ट्स ने लगाया है, तो ये दो लेवल कंसेंसस के तौर पर आप ध्यान में रख सकते हैं। धर्मेश कांत हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेश, अगर आप देखें
तो आज मेटल स्टॉक्स लीड करते हुए दिखाई दिए हैं एल्को के परिणाम के बाद। क्या ये उम्मीद करना ठीक होगा कि अमेरिका की मेटल कंपनी जैसे नतीजे दे रही है, भारत की मेटल कंपनीज भी वैसे ही या उससे बेहतर नतीजे देगी? हाँ, मेटल पर हमारा व्यू पॉजिटिव हुआ है एंड आई थिंक मेटल कंपनीज का थोड़ा अट्रैक्शन मिलना चाहिए, और उसमें जो टॉपिक्स रहेंगे वो हिंडाल्को है, वेदांता है, ये और जेएसडब्ल्यू स्टील है। यहाँ तीन अपग्रेड हम लोगों ने आज ही किया है अपने रिपोर्ट में, एंड आई थिंक अराउंड 20-25% का स्टॉक का एक्सट्रैक्शन मिलना चाहिए। और जिस तरह से डोमेस्टिक इकोनॉमी में पिकअप है तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और जो गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट मिला, चाहे स्टील कंपनीज को MIP का सपोर्ट मिला हो, सो मेटल कंपनीज में एक गुड ट्रैक्शन मिलना चाहिए, एंड विथ माइनिंग इन प्रोग्रेस वेदांता विल ऑल्सो गेट अ गुड ट्रैक्शन। धर्मेश, लेकिन इसके अलावा और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप इस वक्त रिकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? प्रदीप जी, गोइंग बाई द थीम, जिस तरीके का थीम चल रहा है अभी, जो कि मानसून प्ले है, GST प्ले है और 7th प्ले कमीशन का जो प्ले है, तो इस थीम के लिहाज से ही सारे रिकमेंडेशन हम लोगों ने पिछले महीने में जनरेट किए थे और वी आर अभी भी स्टिक कर रहे हैं उसके साथ। तो उसमें जो टॉपिक्स रहेंगे, एक हीरो मोटोकॉर्प है टू व्हीलर स्पेस से, जहाँ पर हमें लगता है कि काफ़ी बड़ा ट्रैक्शन रहेगा, 3600 के ऊपर का इसमें प्राइस टारगेट दिखता है। MNM है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि ट्रैक्टर सेगमेंट और एज वेल एज UV सेगमेंट को कैटर करता है, और यहाँ भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर सेल्स बहुत ही देखने को मिली है। आने वाले दिनों में लगता है FY17 के हिसाब से अराउंड 17% काइंड ऑफ ट्रैक्टर सेल्स भी वॉल्यूम ग्रोथ मिलना चाहिए। यूवी जो है काफ़ी सारे प्रोडक्ट लॉन्चेस में वो भी चलता रहेगा, यहाँ पर अराउंड 1750 का टारगेट है MNM में। और इसके अलावा कुछ स्मॉल कैप मिड कैप आइडिया है, जैसे मनपसंद बीवरेजेस है 750 का टारगेट है, काउंटन ग्रीस कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स है, यहाँ पर 166 का टारगेट है, जो कि आपको वाइट गुड्स एंड लाइटिंग सेगमेंट को कैटर करता है। सो दीज आर द प्लेस बेसिकली जहाँ पर हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंटों को बाई करने के लिए। तो कुछ कंज्यूमर रिलेटेड स्टोरीज में भी पैसे लगाने के मौके साफ दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए बाजारों पर आज धर्मेश। इस बीच आज की जो बड़ी खबर हमारे हाथ लगी